Hey, what is up guys, welcome back to my channel everyone, and I hope guys doing absolutely fine. तो भाई लोग कैसे हो मेरे भाई लोग. सर हम लोग आ चुके हैं फिर से एक न्यू गेम प्ले सीरीज को लेकर. जी हाँ दोस्तों, इस वाले गेम प्ले सीरीज में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, जो मैं खेलता हूँ वही आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है. सो गाइज ये गेम प्ले जो है ये थोड़ा सा खास गेम प्ले, क्योंकि इस गेम प्ले में आप लोगों को देखने को मिलेगा टीम जो होता है ना, टीम वो क्या मतलब क्या महत्व रखता है टीम, वो आज की इस मतलब गेम प्ले में तुम लोगों को देखने को मिलेगा. सो गाइस हम लोगों ने सिलेक्ट किया, मतलब हम लोगों ने सोचा कि हम लोग डाउन टाउन पर उतरेंगे. सो क्योंकि डाउन टाउन अभी ऐसा जगह हो चुका है ना, मतलब आप लोग अगर पबजी मोबाइल को खेलते हो तो पबजी मोबाइल में आप लोगों को पता होगा कि पोचिंग की सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड प्लेस रहता है, लेकिन यहाँ पर डाउन टाउन रहता है. ठीक है, मतलब डाउन टाउन पर बहुत ज़्यादा बंदे उतरते हैं, तो हम लोग डाउन टाउन पर उतर रहे थे. एंड एंड गाइज हम लोग डाउनटाउन पे उतरने के बाद मेरे को एक गन मिला जो कि था शॉट गन. एंड यहाँ पर उतरने के बाद ही मेरे को थोड़ा सा फुटस्टेप आवाज़ आया. और एंड देखो देखो गाइज ये बंदा कहाँ से टपक गया लिटरली, और क्या क्या नशा फूक के आता है भाई तू. और यहाँ पर देख सकते हो मेरा मतलब वो मुक्का मार मार के मेरा हेल्थ देखो कितना कर दिया, बट मेरे पास शॉट गन था तो इसीलिए मेरे को तो मारना इम्पॉसिबल था. एंड इसको मैंने इजीली ख़त्म कर दिया. अब तुम लोग बोलो कि भाई तेरे पास जब शॉट गन था तब तू इतना ज़्यादा हेल्थ क्यों गवाया, अपना इतना ज़्यादा हेल्थ क्यों गवाया. मैं तुम लोगों को बता दूं कि इस पबजी मोबाइल का जो कंट्रोल होता है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड कंट्रोल है लिटरली. मतलब एक तो यहाँ पर आप लोग FPS को ले सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना. तो ये जो मेरा गेम अभी चल रहा है ये मतलब कसम से कितना चल रहा है, 30 से 20 FPS पे चल रहा है, ठीक है. और मेरे को मतलब खेलना क्या बोल रहा हूँ छोड़ो. मतलब गाइस असल में मैं खेलता हूँ 60 FPS पे, ठीक है, 60 FPS पे खेलता हूँ. तो यहाँ पर मेरे को मिल रहा है 20-30 FPS, तो ऐसे में कैसे चलेगा, ठीक है ना. फिर देख सकते हो मेरे को इतना कुछ खास गन वगैरह नहीं मिला. फिर यहाँ से भी थोड़ा सा M416 का एमओ वगैरह मेरे को मिल गया, और अभी भी मेरे पास जो गन कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा घटिया कॉम्बिनेशन है. ये देख सकते हो जैसे कि M416 एंड जो शॉट गन रहता है SK12. एंड फिर गाइज मेरे को उस साइड से मतलब ईस्ट के साइड से, ईस्ट साउथ ईस्ट के साइड से मेरे को थोड़ा सा फायरिंग की आवाज़ें आया, ठीक है. फिर मैंने सोचा कि हील वगैरह कर लेता हूँ, फिर मैं वहाँ पर जाता हूँ एंड मारता हूँ उन लोगों को. एंड गाइज वहाँ पर घर पे मेरे को दो बंदा दिखा, जो कि एक बंदा नॉक था और एक बंदा उसका टीममेट होगा शायद. तो एक बंदा को तो मैंने हिट दिया था आई थिंक, तो वो बहुत ज़्यादा लो हो चुका होगा. और फिर मेरा जो नंबर 4 बंदा है वो घुस के उसको नॉक कर दिया ऑलरेडी. फिर मैंने सोचा इसको बच के क्या करोगे तुम भाई, इसको भी ख़त्म कर दिया ईजिली और इसका लूट वगैरह ले लिया. एंड जो हमारा टीममेट है नंबर 4 वो इतना ज़्यादा प्रो है, मतलब क्या ही बताओ तुम लोगों को, इतना ज़्यादा प्रो है कि मेरे को मारने ही नहीं दे रहा किसी को, वही सब कुछ मार रहा है, ठीक है. गाइस देख सकते हो यहाँ पर भी मेरा जो नंबर 4 है वो इसको भी मार दिया, मतलब मेरे को मारने ही नहीं दे रहा किसी को, देख रहे हो सब किल वही ले रहा. फिर यहाँ से गाइस मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज आया, मतलब लिटरली कहाँ से गोली पड़ा मुझे खुद भी नहीं पता, एंड मेरे को मार दिया. एंड मेरे टीममेट्स को मैंने बुलाया हेल्प करके कि भाई बचा लो यार अपने बच्चे को, अपने बच्चे नहीं अपने भाई को बचा लो यार. सो मेरा टीममेट्स आ गया एंड मेरे को रिवाइव कर दिया, फाइनली बचा लिया. सो यही होता है यार टीममेट्स, मतलब अगर सोचो अगर मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा होता और मेरा टीममेट्स नहीं होता तो भाई मैं तो अब तक खत्म हो चुका था. फिर मैंने यहाँ से रिवाइव वगैरह मतलब अपने आप को हील वगैरह किया.
फिर मैंने मतलब ठान लिया कि नहीं भाई, अब तो उस बंदे को मारना ही है कुछ भी करके। साला मेरे को मारा तो मारा कैसे, नहीं तो मारा तो मारा कैसे तू मेरे को। फिर मेरे को दिखा उस घर में, गाइस देख सकते हो उस, वो जो क्या बोलते उस घर का नाम मेरे को नहीं पता, बट उस घर में मेरे को वो बंदा दिखा। तो मैंने सोचा, देख सकते हो मैं क्या किया उसके बाद, देखो तुम लोग खुद। ये देख सकते हो गाइस, बहुत सारा हिट दिया और उसको बहुत सारा मतलब लिटरली एकदम ही वो डाउन है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको सीधे ही पुश मार दिया जाए, क्योंकि टाइम वेस्ट करके क्या करूँगा। फिर गाइस जब मैं इस घर के यहाँ पर आया, तब मेरे को हीलिंग का मतलब वो हील कर रहा होगा उसका साउंड आया, तब मैंने सोच लिया कि नहीं यही टाइम है उसको पुश करने का। फिर यहाँ पर इजीली उसको मार दिया। अब गाइस तुम लोग बोलोगे कि तू आया तो सीधा इसी कमरे में, इसी कोने में कैसे घुसा और कैसे मारा। तो यार तुम लोगों को बता दूं कि मेरे पास एक बेस्ट हेडफोन्स है, और गाइस यार अगर तुम लोग भी PUBG मोबाइल खेलते हो तो तुम लोगों को भी एक हेडफोन्स, बढ़िया हेडफोन्स चाहिए ही चाहिए PUBG मोबाइल को खेलने के लिए, PUBG मोबाइल लाइट या फिर PUBG मोबाइल जो भी है उसको खेलने के लिए। अब गाइस सबको मारने के बाद मेरा अभी तक 2 किल हुआ है, सिर्फ 2 किल देख सकते हो। एंड इनको मारने के बाद मैं सोच रहा था कि भाई अब क्या करूं, भाई बंदे खोजना था मेरे को, ठीक है कुछ भी हो जाए बंदे चाहिए मेरे को। फिर यहां से कुछ मतलब गन मतलब फायरिंग का आवाज़ें वगैरह आने लगा मेरे को। फिर मैंने सोचा क्यों ना वहां पर जाके ही उनको मारा जाए। और गाइस देख सकते हो मेरे को मतलब परेशान कर दिए हो यार तुम लोग, कितना ज़्यादा मैसेज करते हो कि भाई मेरे साथ खेल लो, मेरे साथ खेल लो। भाई देखो यार मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैं खेलता हूँ, सभी के साथ खेलता हूँ, ऐसा नहीं है मैं खेलता नहीं हूँ, बट यार मेरा भी कुछ प्रॉब्लम होता है भाई, सभी के साथ नहीं खेल सकता हूँ ना। अगर तुम लोगों के साथ खेलूंगा तो मेरे को वीडियो कैसे बनाऊंगा सोचो। फिर यहां से मेरे को एक बंदा दिखा और उसको इजीली मैंने नॉक कर दिया। फिर उसको नॉक करने के बाद उसका जो टीममेट है ना, लिटरली टीममेट भगा भगा आया, लिटरली भगा भगा आया कि भाई मेरे टीममेट को मारा तो मारा कैसे तूने, ठीक है। फिर देखना गाइस उसके टीममेट को भी कैसे मैं मारता हूँ। फिर देखो गाइस यहाँ पर मेरे को फायरिंग किया उसके टीममेट ने, फिर यहाँ पर देख सकते गाइस इजीली उसके टीममेट को भी मैंने नॉक कर दिया, ठीक है। अब यार नंबर 4 देख सकते हो भाई, एकदम मतलब क्या ही बताओ तुम लोगों को, मतलब वो बोल रहा है कि मेरे को ही किल करना है, मेरे को ही किल करना है। भाई साहब किल करना भाई, तू अपन को भी क्लिक करने दे थोड़ा थोड़ा, मैं नंबर 4 ही सबको किल करेगा। फिर गाइस इसको मारने के बाद मेरे को जो मतलब स्टेडियम है ये PUBG मोबाइल लाइट का, उसका नाम स्टेडियम है, वो बेसिकली स्कूल है, तो स्कूल से मेरे को कुछ फायरिंग का आवाज़ आया। फिर यहाँ से कुछ बंदे लड़ रहे थे, इसको भी मैंने इजीली किल कर दिया, मतलब नॉक कर दिया उसके बंदे को। ये रहा उस जो उसके साथ लड़ रहा था, उसको भी मैंने किल कर दिया। आई थिंक ये बॉट था, लिटरली मेरे को पता नहीं चला कि ये बॉट था कि नहीं, बट बॉट था, मेरे को लग रहा है ये बॉट था। मुझे नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताना कि ये बॉट था कि नहीं। अब इसको भी मैंने मार दिया इजीली। एंड यहाँ से कुछ लूट वगैरह करा, तो इसके पास कुछ खास लूट नहीं था। फिर मैं सोचा कि इधर जाता हूँ स्टेडियम की तरफ, और क्या। फिर गाइस यहाँ पर मेरे को दूर पे एक बंदा दिखा, एंड उस दूर के बंदे को मैंने 2 हिट दिया और वो ख़त्म हो गया लिटरली इतनी जल्दी। शायद वो पहले से ही डैमेज हुआ था, मतलब हो सकता है। फिर इसको भी मार दिया इजीली, और क्या। हाँ तो भाई लोग हम लोग बात कर लेते कि मतलब यहाँ से देखो गाइस, पहले बात कर लेता हूँ इसको। भाई एक बंदा देख रहे हो पूरा एकदम, भाई क्या ही बताओ तुम लोगों को, वो पूरा धूम 3 की तरह उड़ा के लेके गया गाड़ी, एंड वो सोच रहा था कि मेरे को वो मार देगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, बगी लिया एंड उसका पीछा किया, मतलब तू भागेगा कहाँ, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने अपने टीममेट को ही चढ़ा दिया गाड़ी, भाई साहब देख रहे हो ना, और क्योंकि की का भूखा हो भाई। एंड देखो यहाँ पर देव लिटरली गाइस, यहाँ पर मैंने इतना ज़्यादा शॉट दिया इसको, फिर अब जाके मरा, देख रहे हो, क्या ही बताओ तुम लोगों को। फिर मैं भागा भागा गया उसका लूट लेने, एंड लिटरली उसके पास AWM था। लो गाइस भाई लोग देख सकते हो इसके पास AWM था एकदम, भाई कतई जहर जिसको बोलते हैं। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हील वगैरह किया अपने आप को,
enemies ahead. And ये मेरा देख रहे हो, ये मेरा टीममेट क्या करना चाहते हैं, मेरे को ही मारना चाहते हैं लिटरली, मतलब उसको किल करने नहीं दे रहा हूं तो इसलिए मेरे को ही मार रहे हैं यार, क्या ही होता तुम लोगों को। यहां पर देख सकते हो गाइस 9 किल हो चुका है मेरा, एंड यहां से फिर से मेरे को फायरिंग किया कोई, एंड यहां पर मेरे को देखने को मिल गया, इसको भी मैंने इजीली किल कर दिया, एंड अभी तक मेरा 10 किल हो चुका है गाइस, देख सकते हो। फिर गाइस मैं यहां से गाड़ी लेके भाग गया, मतलब यहां पर ड्रॉप वगैरह था तो मैंने सोचा उस तरफ जाता हूं फिर देखता हूं क्या होता है। फिर ड्रॉप में तो कुछ नहीं था खास, क्योंकि जो मेरा नंबर वन जो था टीममेट वो सब कुछ लूट लिया था। फिर यहां से मैंने थोड़ा सा M416 का एमओ वगैरह ले लिया, क्योंकि मेरे पास M416 का एमओ बहुत कम था, आई नो 400 है बट वो भी कम है मेरे लिए। अब गाइस यहां पर देखना जादू, लिटरली जादू, ये देखो मतलब गाड़ी चल रहा है फिर भी मेरा हीलिंग हो रहा है, मतलब मैं कार चला रहा हूं फिर भी मैं हील कर पा रहा हूं लिटरली दोस्तों, देख सकते हो। मतलब अभी भी बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज का जरूरत है PUBG मोबाइल लाइट को, और बहुत सारे यूट्यूबर्स बोल रहे थे कि PUBG मोबाइल लाइट में इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज का जरूरत नहीं है, भाई बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज का जरूरत है अभी PUBG मोबाइल लाइट को, क्योंकि ये अभी लॉन्च हुए ना, इसका अभी बहुत सारे अपडेट्स आना बाकी है, बहुत कुछ बाकी है लिटरली, ठीक है। अब गाइस ये लास्ट का सीन चल रहा है और तुम लोग देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 4 जन बाकी है, लिटरली 4 जन, ठीक है, हम लोग जो टीममेट है वो 4 जन, एंड और अब देखो गाइस सिर्फ और सिर्फ 3 जन, लिटरली 3 जन बाकी है, ठीक है। अब गाइस यार मेरा हार्ट बीट हो गया था तेज, क्योंकि गाइस मेरे को लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा, क्यों मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता क्यों मैं मर जाऊंगा, लेकिन लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा। अब गाइस देख सकते हो मतलब लास्ट, अब सिर्फ और सिर्फ 1 जन बाकी है, देख सकते हो 5 अलाइव है, मतलब 1 जन बाकी है, और अभी जाकर मेरे को रेड डॉट मिला, सोच सकते हो कितना ज्यादा किस्मत खराब है, अभी जाकर मेरे को रेड डॉट मिला, ओ भाई साहब। एंड गाइस यार मैं यहां पर देख ही रहा था, मतलब मैं सोच ही रहा था कि कहां जाऊं, कहां पर मारूं, क्या करूं, फिर मेरा टीममेट्स ने बोला कि लेट्स गो, मतलब चलो यहां से भागो, यहां से गेट इन द कार, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, एक जन ही बाकी है तो कार लेके पूरा मैप में घुमाया जाए जितना सर्कल हुआ है, फिर वही सोचा और नंबर 1 मेरे गाड़ी में चढ़ भी गया, और यहां पर मैं गाड़ी लेके भाग गया, मतलब खोजने लगा, मतलब जो लास्ट बंदा है वो कहां पर छुपा हुआ है उसको खोजने लगा, फिर यहां पर एक ड्रॉप मिला, देखिए मतलब 1 जन बाकी है फिर भी मैं ड्रॉप लूट रहा हूं, मतलब मुझसे ज्यादा पागल कोई नहीं हो सकता कसम से। अब यहां पर मैं चला गया मतलब गाड़ी लेके, फिर इधर जा ही रहा था तब मैंने देखा कि जोन नहीं भाई, जोन मेरी तरफ ही आ रहा है, फिर यहां से मैं मूड यू टर्न ले लिया फिर से, एंड बंदा देखो कहां पर है, यहां पर मैं गया, यहां से मैं देख सकते हो गाड़ी को पार किया लेकिन मैं बंदा नहीं दिखा, और फिर जाके मेरे को बंदा दिखा। अब मैं कोशिश कर रहा था कि गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दूं लेकिन चढ़ा नहीं पाया, और इसको मैंने इजीली, मैंने सोच रहा था कि इसको AWM से मारूंगा, बट मेरे को लगा कि नहीं भाई मेरा जो टीममेट है वो किल ले लेगा, ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको खत्म कर दिया, और मैं हम लोगों को मिल गया विनर चिकन डिनर। तो ये था आज का गेम प्ले वीडियो, आई होप तुम लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। Bye-bye.